पीयूष घबरा गया। उसने कहा, इतने समय से ना बोल पाने के कारण मेरी आवाज थोड़ी पतली हो गई है। अनाया ने उसे कार्तिक और विहान के कई सारे वीडियो दिखाए थे जिसमें उसने सुना था कि कार्तिक की आवाज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जेंटल थी। थोड़ी देर बाद पीयूष और विहान सोफे पर बैठे थे। विहान पीयूष से बातें कर रहा था और उसे काफी सारी चीजें बता रहा था और पीयूष चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या जवाब देना है। वो मुड़कर बार बार किचन की तरफ देख रहा था जहां अनाया उनके लिए स्नैक्स और कॉफी बना रही थी। थोड़ी देर बाद स्नैक्स खाकर और कॉफी पीने के बाद विहान उठकर खड़ा हुआ और उसने वहां से जाते हुए कहा, अनाया कार्तिक का ध्यान रखना, मेरा भाई अब होश में आ चुका है और जल्दी ही मैं उसे हमारे घर ले जाऊंगा। इस बात को कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। घर एक ऐसी जगह थी जहां वो कई सालों से नहीं गया था और ना ही उसका भाई वहां गया था। उसके घर वाले हमेशा उन दोनों को याद करते थे और वो दोनों लगभग अपने घर वालों के लिए मर ही चुके थे। सारे टेस्ट होने के बाद ऋषि बहुत ज्यादा थक चुका था और अपने कपड़े बदलकर रूम से बाहर आ गया था। जब वो ओम के ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा वीरा अपनी ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर करके बैठी हुई थी और उसका पैर टेबल पर टिका हुआ था। ओम उसके पैर को चेक कर रहा था और उसका चेहरा गंभीर दिख रहा था। ओम ने कहा, मैम मुझे लगता है ये घाव गहरा होता जा रहा है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपको वो पट्टी नहीं हटानी चाहिए और ना ही बाहर घूमना चाहिए। देखिए अब जख्म पहले से भी ज्यादा खराब होने लगा है। ये कहते हुए उसने कॉटन की मदद से उस जख्म से निकल रहे खून को रोक दिया और कहा, मैं इसकी जांच करता हूँ, तब तक आप ये दवाई ले लीजिए। ये कहते हुए उसने साइड में रखे कुछ इंजेक्शन वीरा को लगा दिए। ऋषि ने देखा जब वीरा को इंजेक्शन लग रहे थे तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऋषि को याद था जब वो किसी लड़की को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाते देखता था तो वो कितनी रोनी शक्ल बना लेती थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी उनका ऑपरेशन करने ले जाया जा रहा है, ना कि उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ओम ने गंभीर होकर वीरा के पैर की तरफ देखकर कहा, पता नहीं ये कौन सा जहर है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये आपकी पूरी बॉडी में फैल सकता है। और मैम मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन शायद आपको अपना एक पैर काटना पड़े। ओम के आखिरी शब्द सुनते ही ऋषि का चेहरा पीला पड़ गया था। वो जल्दी से दौड़कर अंदर आया और उसने वीरा के पैर की तरफ देखा जिस पर एक गहरे कट का निशान था। असल में जब वायु और वीरा धैर्य और बाकी सबको बचाने जंगल में गए थे तब उन पर हुए हमले में एक चाकू वीरा के पैर में लग गया था और अब वो जख्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वीरा ने ऋषि की तरफ देखा जो काफी परेशान था। ऋषि ने उसे डांटते हुए कहा, तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? जब तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें इस तरह बाहर नहीं घूमना चाहिए तो तुम बाहर क्यों घूम रही थी? देखो तुम्हारे पैर पर कितना गहरा जख्म है। असल में वीरा की ड्रेस थोड़ी लंबी थी इसीलिए कोई भी उसके जख्म को नहीं देख पाया था जो उसके पैरों पर था। ऋषि ने ओम की तरफ देखकर कहा, और आपका कहने का क्या मतलब है कि इसका एक पैर काटना पड़ेगा? क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? वो जानता था इंसान के पैर उसके लिए कितने जरूरी होते हैं और वो वीरा के सुंदर और लंबे पैरों को कटते हुए नहीं देखना चाहता था। वीरा ने लापरवाही से कहा, ये कुछ ज्यादा नहीं है? ये सुनकर ऋषि का गुस्सा भड़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम हर चीज को इतना छोटा क्यों समझती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है खुद का ध्यान रखा करो, लेकिन नहीं तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। क्या तुम खुद की जान लेकर ही मानने वाली हो? तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम्हें गोली लग गई थी और तुम दो दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी तुम ऑफिस आ गई थी? क्या तुम्हारे काम इतने जरूरी हैं कि तुम अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं देती हो? मैं बता रहा हूं अगर मैंने तुम्हें दोबारा जख्मी होते हुए देखा तो मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा। ओम आंखें फाड़कर ऋषि को देख रहा था और वीरा अपनी चमकती हुई आंखों से ऋषि को देख रही थी। उसे याद था कुछ साल पहले जब उसे अपने दाएं हाथ पर गोली लगी थी तब कार्तिक कितना परेशान हुआ था। वो हर समय उसके पीछे घूमता रहता था और वो उसे कोई काम नहीं करने देता था और उसके सारे काम खुद करता था। इन सारी बातों के याद आते ही वीरा थोड़ी उदास हो गई। उसने दोबारा ऋषि की तरफ देखा और खुद से कहा, कार्तिक प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। ओम और भी गंभीर होकर ऋषि की तरफ देख रहा था। ऋषि ने जब अपनी कही हुई बातों के बारे में सोचा तो उसका सिर दोबारा दर्द करने लगा था। ओम ने कहा, रिलैक्स ज्यादा मत सोचो, हमने टेस्ट कर लिए हैं और दो दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। ऋषि की हरकतों को देखकर अब ओम को भी लग रहा था कि जरूर ऋषि के साथ कोई बड़ी परेशानी है। उसका इस तरह बार बार अपने अतीत की बातों के बारे में कहना और ये सब कहने के बाद उसके सिर में दर्द होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। उसने कई सारे मेमोरी लॉस के केस देखे थे जिसमें इंसान की याददाश्त जाने पर या तो वो पूरी तरह सब कुछ भूल जाता था या फिर उसकी कुछ सालों की याददाश्त चली जाती थी। लेकिन ऋषि कभी कार्तिक की तरह बिहेव करता था तो कभी वो ऋषि की तरह बिहेव करने लगता था। ऋषि ने हाँ में सिर हिला दिया। वीरा उठी और ऋषि के साथ बाहर की तरफ जाने लगी। बाहर जाने से पहले उसने ओम से वायु को भी चेक करने को कहा क्योंकि उसे याद था कि वायु के शरीर में भी वही जहर है। अगर वो जहर इतना खतरनाक था तो जरूर उसके पापा भी खतरे में होंगे और ये सोचते हुए वीरा थोड़ा परेशान हो रही थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वीरा ऋषि को वापस कंपनी ले गई। कंपनी में स्टाफ जो वीरा के वहां से जाने से रिलैक्स फील कर रहा था उसे दोबारा वहां देखकर परेशान हो गया था। उन्होंने सोचा था कि वीरा वापस नहीं आएगी लेकिन उसे वहां देखकर वो सब वापस अपने काम को अच्छे से करने लगे थे। वीरा ने ऋषि को उसके प्रैक्टिस एरिया में छोड़ा और वापस अपने कैबिन में चली गई।
जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसके दोनों असिस्टेंट ने सारी फाइलों को स्टडी कर लिया था और वीरा के लिए एक डेटा तैयार कर दिया था। वीरा ने वो फाइल ली और ध्यान से पढ़ने लगी। उस फाइल को पढ़ते हुए उसका चेहरा गंभीर होते जा रहा था। थोड़ी देर बाद बड़ा सा मीटिंग रूम कई सारे लोगों से भरा था और हेड चेयर पर वीरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा गंभीर था और वो अपने सामने बैठे लोगों को देख रही थी, जिनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वीरा ने आकृति को कुछ इशारा किया। आकृति ने वहां बैठे सारे लोगों को एक एक पेपर दे दिया। वीरा ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए कहा, मिस्टर त्रिवेदी। एक आदमी जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और चश्मा लगाया हुआ था, उसने अपना सिर उठाया और कहा, यस मैम। वीरा ने कहा, पिछले साल हमारी कंपनी से एक फिल्म प्रोड्यूस हुई थी जिसका बजट 200 करोड़ था। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने उन 200 करोड़ का यूज कहाँ किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करके मुझे पता चला है कि इस फिल्म में सिर्फ 75 करोड़ का यूज हुआ है, तो 125 करोड़ कहाँ गए हैं? और मिस्टर शीला, आप ये बताइए कि हमारी कंपनी में जिन मॉडल्स को अभी साइन किया गया है, उन्हें अभी तक अपार्टमेंट अलॉट क्यों नहीं किए गए हैं? हमारी कंपनी का रूल है कि यहाँ काम करने वाले लोगों को हम अपार्टमेंट अलॉट करवाते हैं, और इसके लिए हमने एक पूरी कॉलोनी तैयार कर रखी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपने इन लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिया है और वो सभी मॉडल्स अभी भी हॉस्टल और होटल में रह रही हैं। वीरा की बात सुनकर शीला का चेहरा सफेद पड़ गया। एक एक करके वीरा ने वहां मौजूद सारे लोगों को उनकी गलतियां बताई। उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन सब ने वहां कई सारे ब्लंडर्स क्रिएट करके रखे थे। वीरा ने वहां मौजूद कई सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया और कुछ लोगों को वार्निंग दी कि वो अपने काम को जल्दी ठीक करें। सब कुछ सेट कर लेने के बाद उसने अपने माथे पर हाथ रखा और सबको वहां से भेज दिया। खाली मीटिंग रूम में अब सिर्फ वीरा, आकृति और विनोद मौजूद थे। वीरा ने कहा, विनोद, मैं चाहती हूं तुम इस कंपनी पर अच्छे से नजर रखो। ये कंपनी उसकी बहन का सपना थी और रावी ने इसे बहुत उम्मीदों के साथ खोला था, लेकिन यहाँ मौजूद लोग उसकी बहन के सपने को खराब कर रहे थे, जो वीरा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। वीरा ने धीरे से कहा, रावी इन सबको कैसे मैनेज करती है? क्या वो भूल गई है कि काम कैसे किया जाता है? उसकी बहन भले ही मस्तीखोर और शरारती थी, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी। पिछले साल उसने बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था, लेकिन शायद इन कुछ महीनों में वो बहुत ज्यादा आलसी हो गई थी और उसने अपने काम को छोड़ दिया था। वीरा ने अपना हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे रावी को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि अपने काम की जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। ये कहते हुए वीरा उठकर खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने कहा, स्टाफ को घर जाने को कह दो और तुम दोनों भी चले जाओ। इस समय रात के 9 बज रहे थे और वीरा के ऑफिस में मौजूद होने पर कोई भी अभी तक घर नहीं गया था। आकृति और विनोद दोनों ने ही जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और तेजी से वहां से चले गए। उन्होंने बाकी सबको ये बता दिया कि अब वो घर जा सकते हैं। ऑफिस का सारा स्टाफ अपने काम को बंद करके वहां से चला गया, क्योंकि वो लोग वीरा के किसी नए एक्शन के लिए तैयार नहीं थे। वीरा रेलिंग के पास खड़े होकर खाली ऑफिस को देख रही थी और उसका दिल ये सब देखकर और ज्यादा खाली होते जा रहा था। एक ठंडी सांस लेते हुए उसने दोबारा अपने जख्मी पैर की तरफ देखा। उसे अपने उस पैर में बहुत जलन हो रही थी। थोड़ी देर बाद वीरा धीरे धीरे चलते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगी। जब वो लिफ्ट का बटन प्रेस करने ही वाली थी, उसने देखा कि कोई दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो वो ऋषि था। ऋषि जल्दी से लिफ्ट में एंटर हुआ और उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि लिफ्ट में मौजूद इंसान कौन है, लेकिन वीरा अपना सर उठाकर एकटक ऋषि को ही देख रही थी। उसने ध्यान दिया कि ऋषि की स्किन पहले से थोड़ी फेयर हो गई थी और वो थोड़ा हेल्दी भी हो गया था। उसका हेयर स्टाइल, जो थोड़ा फंकी था, अब एक जेंटलमैन की तरह हो गया था और वो बहुत ज्यादा चार्मिंग दिख रहा था। ऋषि, जो अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी ठंडी निगाहों से घूर रहा है। उसने सिर झुकाया और साइड में खड़ी वीरा को देखकर वो हैरान हो गया। उसने कहा, वीरा मैम, आप अभी तक गई नहीं? उसने सोचा था वीरा वहां से जा चुकी थी, क्योंकि वो कब से प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए वो नहीं जानता था कि ऑफिस में क्या हो रहा है और वहां इतनी अफरा तफरी क्यों मची है। उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वीरा वहां आई है, इसीलिए सब अपने काम को और ज्यादा ध्यान से कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लोग काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने गलत कामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि ने फिर कहा, वीरा मैम, आप अभी तक गई नहीं? वीरा ऋषि के उसे बार बार मैडम कहने से परेशान हो चुकी थी। उसने ऋषि को उसके कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बताओ तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? ऋषि ने कंफ्यूज होकर वीरा की तरफ देखा। वो तो उससे अच्छे से ही बिहेव कर रहा था, बल्कि जब से वीरा ने उसकी मदद की थी, वो उससे मिसबिहेव करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वीरा उसकी बॉस है और वो अपने बॉस के साथ बुरा बिहेव करके अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वीरा ने ऋषि को घुमाकर लिफ्ट की दीवार से सटाया और अपना एक हाथ उसके साइड में रखते हुए कहा, मैंने कहा अगर तुमने दोबारा मुझे मैम कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे नाम के आगे लेट लगाने में देर नहीं लगाऊंगी। तुम जानते हो ना लेट ऋषि ओबेरॉय का मतलब क्या होता है? ट्रू ड्रीम कंपनी। वीरा और ऋषि अभी भी लिफ्ट में मौजूद थे। वीरा ऋषि के सामने खड़ी थी और घूर कर उसे देख रही थी। ऋषि ने कहा, मैम, अगर मैं आपको वीरा मैम नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? वीरा ने अपनी एक उंगली उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, जैसे तुम मुझे पहले बुलाते थे।
ये कहते हुए वीरा याद करने लगी कि कैसे जब कार्तिक उसकी कंपनी में आया था तो बाकी एम्प्लॉयज की तरह वो उसकी इज्जत नहीं करता था, बल्कि बेशर्मी से उसे उसके नाम से बुलाता था और कहता था कि जब वो उसे मैम कहता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी बूढ़े इंसान से बात कर रहा है। ऋषि ने जब वीरा को खोया हुआ देखा तो उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वीरा ने आंखें छोटी करके उसे देखा और अपनी सख्त आवाज में कहा, तो फिर तुम इस कंपनी से जा सकते हो। ये सुनकर ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया। ट्रू ड्रीम कंपनी में चांस मिलना कोई छोटी बात नहीं थी और उसे ये सिर्फ वीरा की मदद से मिला था। हार मानते हुए उसने कहा, ठीक है तो मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगा। वीरा ने उसके चेहरे पर रखी अपनी उंगली को प्रेस किया जिससे उसके नाखून ऋषि के चेहरे पर गड़ने लगे और कहा, तुम मुझे आप ही नहीं कह सकते। तुम क्या चाहते हो, मैं ये सोचूं कि मैं एक 50 साल की बूढ़ी औरत हूं। ये सुनकर ऋषि परेशान हो गया। उसने कहा, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करती हो। ये सुनकर वीरा ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी कंपनी के बॉस इसीलिए नाराज हो जाते थे क्योंकि उनके एम्प्लॉयज उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और वीरा कह रही थी कि वो उससे रिस्पेक्ट से बात ना करे। वीरा के हाई हील्स पहने होने के कारण वो ऋषि के काफी करीब थी और उसकी नजर ऋषि के होठों पर ही थी। ऋषि भी वीरा की गहरी नीली आंखों में देख रहा था और उसके हाथ वीरा की कमर से लिपट चुके थे। वो झुका और वीरा के करीब जाने लगा। वीरा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब वो दोनों किस करने ही वाले थे, अचानक लिफ्ट एक झटके से रुक गई और लाइट भी चली गई। लिफ्ट के इस तरह रुक जाने से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। वो दोनों जैसे ही नीचे गिरे, वीरा की तेज चीख ऋषि के कानों में गूंजी जिससे वो जल्दी से वीरा से अलग हुआ। अंधेरे में उसे वीरा दिखाई नहीं दे रही थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन करके वीरा को देखने लगा। वीरा ने जो पहले वन पीस पहना हुआ था उसने वो चेंज कर लिया था और इस समय उसने व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट के ऊपर एक ब्लैक कोट कैरी किया हुआ था। उसकी व्हाइट कलर की पैंट घुटनों के पास से खून से सनी हुई थी जिससे पता चल रहा था कि उसका घाव खुल चुका है। ऋषि ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और नीचे बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वीरा ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन उसकी आंखों की हल्की सी नमी बता रही थी कि वो कितने ज्यादा दर्द में है। ऋषि जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और लिफ्ट में लगे फोन से गार्ड को फोन लगाने लगा लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसने काफी बार चिल्लाकर आवाज देने की कोशिश भी की लेकिन उस अंधेरी लिफ्ट में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी और उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इतनी देर तक चिल्लाने के कारण उसका गला सूख चुका था और अब उसे सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी। उसने मुड़कर जैसे ही वीरा को देखा तो वो हैरान हो गया। वीरा लिफ्ट के कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसका चेहरा उसके घुटनों के बीच छुपा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ऋषि जल्दी से उसके पास गया और उसने वीरा के कंधे पर हाथ रख दिया। किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस होते ही वीरा ने अपना सिर उठाया और ऋषि को धक्का दे दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे पास मत आना, तुम लोग मुझे शॉक नहीं लगा सकते, बाहर निकालो, इस अंधेरे कमरे से बाहर निकालो। वीरा बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसे अपने बचपन की वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसने उस आइलैंड पर बिताई थी। भले ही उसने साइकेट्रिक की मदद से अपनी सारी बुरी यादों को भुला दिया था लेकिन कुछ डर अभी भी उसके दिल में जिंदा थे जो उस अंधेरी लिफ्ट में बंद होने पर उसे याद आ रहे थे। ऋषि दूर से वीरा को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वीरा ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए थे और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, रावी को शौक मत लगाओ, जो भी दर्द देने हैं वो मुझे दो, मेरी छोटी बहन को छोड़ दो। ऋषि ने उसके पास जाते हुए कहा, वीरा प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन वीरा इस समय अपने होश में नहीं थी। ऋषि को अपने पास आता देखकर उसने अपनी पेन के पीछे रखे हुए खंजर को निकाला और उसे ऋषि को दिखाते हुए कहा, मुझे दूर हटो, मुझे दूर हट जाओ, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम लोग मुझे दोबारा शौक नहीं दे सकते और तुम लोग मेरी बहन को भी कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम सबको मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, निर्मला देवी। वीरा के हाथ में खंजर को देखकर ऋषि डर गया और वो दो कदम पीछे हट गया। उसने कई बार वीरा को होश में लाने की कोशिश की और उसे समझाने की भी कोशिश की लेकिन वीरा उसकी कोई बात नहीं समझ रही थी। ऋषि ने गहरी सांस ली, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने खुद को शांत किया और अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करते हुए कहा, वीरा शांत हो जाओ, देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा कार्तिक यहाँ है, क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी। उस आवाज़ को सुनते ही अचानक से वीरा ने अपने सिर को उठाया और टॉर्च के उजाले में दिख रहे ऋषि के चेहरे को देखने लगी। ऋषि ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखो तुम्हारा कार्तिक तुम्हारे पास है, तो तुम क्यों घबरा रही हो, चलो जल्दी से इधर आओ और मेरे गले लग जाओ। वीरा ने अपनी नम आंखों से उसे देखा और कहा, क्या तुम सच में कार्तिक हो। कुछ पल रुककर वीरा ने मासूमियत से कहा, क्या तुम सच में यहाँ हो, तुम मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे। कार्तिक क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस समय छोड़ दिया था जब तुम जख्मी थे। प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना, तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम क्यों मेरे बारे में सब भूल गए थे। ये कहते हुए वीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋषि को वीरा के शब्दों को सुनते हुए बहुत दर्द हो रहा था। वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था
कि उसके दिल में कई सारे तीरों से कोई वार कर रहा है और उसकी आंखें नम हो रही हैं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ मैं आ गया हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। चलो जल्दी से इधर आ जाओ। क्या मेरी वीरा मुझसे इतने समय तक दूर रह सकती है? उसकी बात को सुनकर वीरा जल्दी से ऋषि के गले लग गई। ऋषि ने भी जोर से उसे अपनी बाहों में समा लिया। वीरा ऋषि के सीने पर सिर रखकर अभी भी सिसक रही थी और ऋषि धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट की लाइट ऑन हो गई। लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी। जब लिफ्ट ओपन हुई तो ऋषि ने वीरा के पैर की तरफ देखा जो अभी भी जख्मी था और उससे खून बह रहा था। उसने पहले वीरा के उस खंजर को उठाया और फिर वीरा के पास पहुंचकर उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। कंपनी में कोई भी मौजूद नहीं था और गार्ड ने बिना कुछ कहे चुपचाप उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे उसे इस बात से हैरानी बिल्कुल नहीं हुई कि वीरा ऋषि की बाहों में थी। ऋषि वीरा को उसकी कार के पास ले गया और उसने वीरा को पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ऋषि ने मुड़कर वीरा से कहा, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। वीरा अब तक खुद को संभाल चुकी थी और उसका चेहरा पहले की तरह बिना किसी भाव के कठोर हो चुका था। उसने लापरवाही में सीट की तरफ झुकते हुए कहा, रोड नंबर 2 आनंद कॉलोनी। ये सुनकर ऋषि ने घूर कर वीरा को देखा और कहा, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। वीरा मुस्कुराई और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जख्मी हालत में मेरे घर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है और अगर वो मुझे इतना ज़्यादा दर्द में देखेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी, इसीलिए मैं अभी घर नहीं जा सकती। लेकिन अगर तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते हो तो मुझे किसी होटल में छोड़ दो, मैं आज रात के लिए वहाँ स्टे कर लूँगी। वीरा की इस बात को सुनकर ऋषि परेशान हो गया। वो वीरा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए हार मानकर वो उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। वीरा की आँखें बंद थी और वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसके पास कई सारे विला थे और कई सारी बिल्डिंग्स भी, वो कहीं भी जा सकती थी। लेकिन वो ऋषि के छोटे से अपार्टमेंट में जाना ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि ऋषि वहाँ रहता था। थोड़ी देर बाद वो लोग ऋषि के अपार्टमेंट के पास पहुँच गए। ऋषि ने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर सामान बिखरा हुआ था और कपड़े सोफे पर फैले हुए थे। टेबल पर स्नैक्स के पैकेट रखे थे और टीवी भी ऑन था। ये देखकर वीरा की आँखें छोटी हो गई। वो एक हाइजीनिक इंसान थी और उसे इस तरह की गंदगी देखकर अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था। ऋषि शर्मिंदा था। वो अपने घर की सफाई नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास कई सारे काम होते थे। उसे सुबह जॉगिंग पर जाना पड़ता था और खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था। उसे अलग अलग ऑडिशन की तैयारी भी करनी होती थी जिस कारण उसके पास अपने घर की सफाई करने के लिए टाइम नहीं था। वीरा ने ऋषि को देखा और सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये घर इतना बुरा भी नहीं है। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई। वीरा उठकर खड़ी हुई और उसने नीचे देखा। सोफे पर कोई डेकोरेटिव आइटम रखा था जो कि कांच का बना था और उसके बैठने से वो टूट चुका था। अब वीरा को गुस्सा आ रहा था। उसने बिना किसी भाव के ऋषि को देखकर कहा, क्या तुम ये ध्यान भी नहीं रख सकते कि तुमने कौन सा सामान कहाँ रखा था? अगर मुझे इस कांच से चोट लग गई होती तो? मेरी छोड़ो, अगर तुम्हें ही इससे चोट लग जाती तो क्या होता? ऋषि ने अपने सिर को सहलाया और कहा, तुम 5 मिनट रुको। ये कहते हुए उसने तेजी से वो सारे कपड़े उठाए और अपने कमरे में रख दिए। फिर उसने वो खाने का सामान उठाकर किचन में रखा और जूते भी रैक में रख दिए। 5 मिनट बाद वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे वहां पे गंदगी हुई ही ना हो। वीरा ने ऋषि की तरफ देखा जिसका माथा पसीने से भीगा था और कहा, बैठ जाओ। ऋषि वीरा के साइड में बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ी वाटर बॉटल से पानी पीने लगा। वीरा अपने पैर की तरफ देख रही थी। उसे इस समय बहुत दर्द हो रहा था। बिना ज्यादा सोचे उसने पेंट का बेल्ट निकाला और उसे उतारने लगी। ये देखकर ऋषि के गले में पानी अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो, रुको। लेकिन उसके शब्दों के खत्म होने से पहले ही वीरा अपनी उस पैंट को हटा चुकी थी। उसने जो व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी वो थोड़ी लंबी थी और उसकी थाइस तक आ रही थी जिस कारण वीरा के घुटने दिख रहे थे। वीरा ने ध्यान से अपने जख्म को देखा। ओम ने जो ड्रेसिंग उसके पैर पर की थी वो थोड़ी खुल चुकी थी और उसके साइड से खून बह रहा था। वीरा ने देखा कि खून के साथ एक ब्लैक कलर का लिक्विड भी उस जख्म से बाहर आ रहा था। ये देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। वो जानती थी कि वो कोई मामूली जहर नहीं था जो हेमंत ने उन्हें दिया था। वीरा को ऐसा लग रहा था कि वो इसी वक्त हेमंत की जान ले ले, लेकिन वो उस इंसान को नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने प्रवीण और ब्लैक बटरफ्लाई के बाकी लोगों को हेमंत को ढूंढने भेजा हुआ था लेकिन उन्हें उसका कोई भी लिंक नहीं मिल रहा था। विला पर रावी डिनर करके अपने कमरे में बैठी कुछ फाइल्स को स्टडी कर रही थी। उसने अपने फोन की तरफ देखा, फिर उसने वीरा का नंबर डायल किया लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। रावी ने मुंह बनाकर कहा, यदि फिर से कहां चली गई है, मुझे समझ नहीं आता इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जब देखो अचानक से गायब हो जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती है। कम से कम एक मैसेज तो भेज सकती है ना कि वो ठीक है। लेकिन नहीं, हम तो बस इनकी चिंता करते रहे पर इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। धैर्य जो साइड में बैठा अपने आईपैड में गेम खेल रहा था उसने कहा, वीरा दी आपकी तरह बोरिंग नहीं है इसीलिए वो बाहर जाकर फन करती है, लेकिन आप तो हमेशा फाइल्स और बुक्स में घुसी रहती है। आपको इस तरह वीरा दी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। रावी ने घूर कर धैर्य को देखा और कहा,
छोटू उस्ताद, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा बोलते हो? धैर्य ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। मम्मा भी यही कहती है, लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि मैं आप पर गया हूँ। रावी ने खुद से कहा। मम्मा का कहने का मतलब क्या है? कि ये मुझ पर गया है? मैं इसकी तरह मुंहफट तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो कितनी शांत रहती हूँ। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपना फोन हाथ में लिया और नंबर को स्क्रॉल करने लगी। तभी रावी ने देखा कि उसके फोन पर एक मैसेज आया था। उसने जल्दी से वो मैसेज ओपन किया। वो मैसेज उसे रेसिंग कोर्स से आया था, जो कि उसकी फ्रेंड आरजू का था। रावी ने जल्दी से आरजू का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही एक तेज आवाज सुनाई दी। यार तुम कहाँ चली गई हो? क्या तुम्हें पता है मैं कितनी बोर हो रही हूँ? और मैंने यहाँ एक शर्त लगाई है कि तुम मेरे लिए रेस जीतोगी। चलो जल्दी से यहाँ जाओ। तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं और तुम रात को बाहर नहीं जा सकती। ये कौन सी बात होती है? देखो रावी, अगर तुम नहीं आई तो हमारी दोस्ती खत्म। ये कहकर आरजू ने बिना रावी की बात सुने फोन काट दिया। आरजू की आवाज बहुत तेज थी और धैर्य ने सब सुन लिया था। धैर्य ने कहा, दिए कौन थी और ये आपको किस तरह की रेस के लिए इनवाइट कर रही थी? रावी ने अपना माथा सहलाया। आरजू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उससे कम ही ऐसे डिमांड करती थी। लेकिन रावी ये भी जानती थी कि अगर उसने किसी को रेसिंग के लिए चैलेंज किया है तो वो इजी नहीं होगा। आहा भरते हुए रावी ने कहा, वो मेरी दोस्त थी और हम लोग बाइक रेसिंग करते हैं, इसीलिए उसने किसी का चैलेंज किया है कि मैं उसकी तरफ से रेस में हिस्सा लूंगी और उन लोगों को हराऊंगी। धैर्य आंखें बड़ी बड़ी करके रावी को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन बाइक रेसिंग करती होगी। वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और रावी के पास चला गया। रावी ने आंखें छोटी करके धैर्य को देखा और वहां से जाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ। धैर्य ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, दी ऐसा मत करो ना, प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो, मैंने कभी रियल रेसिंग नहीं देखी है। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गई तो मैं मम्मा को बता दूंगा कि आप रात में छुप कर बाहर जाती हैं। रावी ने मुंह खोलकर धैर्य को देखा और कहा, ये तुम्हें कैसे पता है? धैर्य ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सब जानता हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि आपके पास एक बॉयफ्रेंड है। मैंने आपके फोन में एक नंबर देखा है जिसे आपने वी नाम से सेव किया था और उसके साथ एक रेड हार्ट भी बना था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका एक बॉयफ्रेंड है। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गई तो मैं मम्मा को बता दूंगा कि आपने उनके लिए एक दामाद ढूंढ लिया है। रावी के सिर में दर्द हो रहा था। उसका भाई बहुत ज्यादा शैतान था। थोड़ी देर बाद रावी घर के पीछे के दरवाजे से धैर्य को अपने साथ ले गई। धैर्य तो रावी की बाइक देखकर ही हैरान हो चुका था। उसने उस बाइक पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी नजर उस बाइक पर लगे स्क्रैच पर भी गई, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो कितने मुश्किल ऑप्टिकल से गुजरी होगी। रावी ने उसे हेलमेट पास किया और फिर वो दोनों वहां से रेसिंग कोर्स के लिए निकल गए। ऊपर कमरे में धैर्या परेशान होकर वायु की तरफ देख रही थी। वायु उस समय सो रहा था और उसने शर्ट नहीं पहनी थी। धैर्या देख सकती थी कि जिन कांटों से वायु के शरीर पर जख्म बने थे उनसे ब्लैक कलर का कोई लिक्विड निकल रहा था और ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई थी। धैर्या ने जल्दी से सिद्धार्थ को कॉल करके अपने कमरे में आने को कहा। सिद्धार्थ जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा धैर्या वायु के साइड में बैठी थी और उसे देख रही थी। सिद्धार्थ जल्दी से वहां पहुंचा और उसने कहा, क्या हुआ है? धैर्या ने खड़े होते हुए कहा, सिद्धार्थ देखिए वायु के जख्मों में से किसी तरह का लिक्विड निकल रहा है। हमने उन्हें कहा कि वो शर्ट उतारकर सो जाए ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो, लेकिन जब वो सो गए तो हमने देखा कि उनके जख्मों से एक अजीब तरह का लिक्विड निकल रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ जल्दी से वायु के पास गया और ध्यान से उसकी बॉडी को देखने लगा। वायु को कई सारी जगह कांटे लगे थे और हर उस जगह से वो लिक्विड निकल रहा था। सिद्धार्थ ने वायु का चेहरा देखा और ध्यान से वायु को देखने पर उसे पता चला कि वायु के होंठ भी थोड़े नीले होने लगे थे। ये देखकर वो परेशान हो गया, लेकिन उसने धैर्या के सामने ये नहीं जताया और तुम चिंता मत करो, ये कोई साइड इफेक्ट होगा, हम वायु के दोबारा टेस्ट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसे परेशानी क्या है। ये कहते हुए वो मुड़ा और कमरे से चला गया। धैर्या अभी भी परेशान थी। उसने वायु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जल्दी से ठीक हो जाइए वायु। सिद्धार्थ जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने लैपटॉप ऑन करके उन रिपोर्ट्स को देखा जो उन सभी लोगों की थी जिनको जहर ने इफेक्ट किया था। सब उससे प्रभावित थे, लेकिन वायु और वीरा पर वो जहर बुरी तरह असर कर रहा था। सिद्धार्थ ने ओम को फोन लगाया और उसे वायु की सिचुएशन के बारे में बताया। दूसरी तरफ से ओम ने कहा, मैंने भी वीरा मैम को आज चेक किया था और जो आप बता रहे हैं वैसे ही सेम सिम्टम्स वीरा मैम के जख्मों में भी थे। उनके पैरों के पास से भी वैसा ही ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। क्या आपने पता करने की कोशिश की ये कौन सा जहर है? सिद्धार्थ ने कहा, मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इसके बारे में जांच करने को कहा है। ओम ने कहा, मैंने भी कुछ लोगों को कहा है कि वो इस बारे में पता करें। सिद्धार्थ ने कॉल कट किया और लैपटॉप ऑफ करके खुद से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कोई आम जहर नहीं है। ये कहते हुए उसके माथे पर सिलवटें आ रही थी। अनाया के घर, अनाया अपने हाथ में रखी उस छोटी सी बोतल को देख रही थी जिसमें एक वाइट कलर का लिक्विड था। उसने उस बोतल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और वापस अलमीरा में रख दिया। फिर उसकी नज़र खिड़की पर गई और वो वहाँ खड़े होकर चांद को देखने लगी। उसने कहा, जहर का सर शुरू हो गया होगा और अब कुछ दिनों में उन लोगों की मौत हो जाएगी। क्या मैंने पापा की मदद करके सही किया? क्या उन लोगों के मर जाने के बाद पापा मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे?
अनाया के घर। अनाया अपने हाथ में रखी उस छोटी सी बोतल को देख रही थी जिसमें एक व्हाइट कलर का लिक्विड था। उसने उस बोतल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और वापस अलमीरा में रख दिया। फिर उसकी नजर खिड़की पर गई और वो वहां खड़े होकर चांद को देखने लगी। उसने कहा, जहर का असर शुरू हो गया होगा और अब कुछ दिनों में उन लोगों की मौत हो जाएगी। क्या मैंने पापा की मदद करके सही किया? क्या उन लोगों के मर जाने के बाद पापा मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे? ये सब कहते हुए अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बहुत मेहनत से उस जहर को बनाया था और सिर्फ वही जानती थी कि उसका इलाज कैसे हो सकता है। आज तक ऐसा जहर दुनिया में किसी के पास नहीं था। वो जहर वीरा और वायु के ब्लड को मिक्स करके बनाया गया था, इसीलिए वो सिर्फ उन दोनों पर ही सबसे ज्यादा असर करने वाला था। अनाया को कई तरह के जहर बनाने आते थे और उसे उनके एंटीडोट बनाने भी आते थे, पर उसने अपने इस हुनर का इस्तेमाल मासूमों की जान लेने के लिए किया था। अनाया ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। उसे इस वक्त खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि कुछ दिनों में उसके जहर से इम्पैक्ट हुए लोग मर जाएंगे। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो लोगों की जान जाने का कारण बनेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसे गले लगा लिया। अनाया इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और वो हैरान हो गई, लेकिन फिर उस जानी पहचानी खुशबू और गर्माहट को महसूस करते हुए उसका दिल शांत होने लगा। उसने कहा, पीयूष मुझसे दूर हटो। पीयूष उससे दूर नहीं हुआ बल्कि उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनाया पीयूष की नजदीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, खास करके तब से जब से वो दोनों एक हुए थे। उसे ऐसा लगता था कि पीयूष की आंखें उसे हर पल घूरती रहती हैं और जब भी वो उसके करीब आता था तो उसका गला सूखने लगता था। अनाया ने अपने सिर को पीछे झुकाकर उसे पीयूष के सीने पर रख दिया और चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगी। पीयूष भी उसे कुछ नहीं कह रहा था और उसी की तरह आसमान को देख रहा था। शांत माहौल में अचानक से अनाया की आवाज गूंजी। अनाया ने कहा, क्या किसी की जान लेना गलत बात है? पीयूष मुस्कुराया और उसने कहा, अगर इंसान गलत है या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो इनोसेंट है और उसने कुछ नहीं किया है तो ये जरूर गलत बात है। मुझे बताओ, तुम अगर किसी ऐसे इंसान को मार दोगी जिसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम एक डॉक्टर हो और तुमने लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी। अगर तुम्हारे कारण किसी गुनहगार की भी मौत होगी तो जाहिर सी बात है तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अनाया ने आगे कहा, लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान ने तुम्हारे किसी अपने को चोट पहुंचाई हो और तुम उसकी बदला लेने में मदद कर रहे हो तो क्या ये भी गलत होगा? पीयूष ने कहा, अतीत को अतीत में छोड़ देना चाहिए, भले ही उस इंसान ने पहले कुछ भी किया हो, लेकिन इस समय वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और कौन जानता है कि जिस इंसान के लिए तुम बदला ले रही हो वो एक अच्छा इंसान है भी या नहीं। हो सकता है कि गलती पहले उसने की हो और उसे उस गलती की सजा मिली हो। अनाया, तुम्हें पहले सच जानना चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। असल में पीयूष ने अनाया की बातों को सुन लिया था और उसे पता चल गया था कि अनाया ने किसी को जहर दिया है। वो ये जानकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन अनाया के पछतावे से भरे शब्दों को सुनकर उसे ये तो पता चल चुका था कि अनाया ने ये सब मजबूरी में किया है और अब वो कैसे भी करके उसे सही रास्ते पर लाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अनाया एक गुनहगार बन जाए। अनाया ने अपने सिर को पीछे घुमाकर पीयूष को देखा और एक पल के लिए वो उसे देखती रह गई। उसकी फेयर स्किन, उसके आकर्षक लिप्स और उसकी गहरी ब्राउन आंखें उसे चार्मिंग दिखा रही थी। इस समय पीयूष ने वो मास्क अपने चेहरे से हटा दिया था जो अनाया ने उसे पहनाया हुआ था, जिसे लगाकर वो कार्तिक की तरह दिखता था, और इस समय अनाया के सामने पीयूष का असली चेहरा था। अनाया ने कभी ध्यान से पीयूष को नहीं देखा था, लेकिन इस समय चांद की रोशनी में उसे पीयूष बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। अनजाने में उसका हाथ अपने आप उठकर पीयूष के चेहरे पर चला गया और वो उसकी आंखों में देखने लगी। पीयूष भी इस वक्त उसे देख रहा था। वो झुका और उसने अनाया के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम जानती हो तुम बहुत ज्यादा सोचती हो और तुम अच्छी चीजों से दूर भागती हो। अनाया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही कितनी बड़ी मुसीबत हो, भले ही तुम कितनी बड़ी गुनहगार बन जाओ, लेकिन फिर भी तुम मेरे दिल में हमेशा वही मासूम लड़की रहोगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। पीयूष की बातें सुनकर अनाया के हाथ कांप उठे और वो दो कदम पीछे हट गई। पीयूष ने दोबारा उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, अनाया ये सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। ये कहते हुए उसकी आंखें अनाया के चेहरे पर टिकी हुई थी। रेसिंग कोर्स, रावी जब धैर्य के साथ वहां पहुंची तो आरजू बाहर ही उसका वेट कर रही थी। रावी के साथ एक अनजान लड़के को देखकर वो कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, ये तुम अपने साथ किसे लाई हो? रावी ने धैर्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर आरजू की आंखें चमकने लगी और वो ध्यान से धैर्य को देखने लगी। धैर्य ने ब्लैक जीन्स और शर्ट के साथ एक लेदर जैकेट पहना था और रावी ने भी ब्लैक जीन्स और शर्ट के साथ एक जैकेट पहना हुआ था। उन दोनों के चेहरे पर मास्क लगा था, लेकिन उन दोनों की आंखें अलग अलग थी। आरजू ने धैर्य की काली आंखों को देखते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखें तुमसे अलग हैं। ये सुनकर रावी ने कहा, ये मम्मा पर गया है। बातें करते हुए वो लोग रेसिंग कोर्स के अंदर पहुंच चुके थे जहां काफी सारे लोग रेस कर रहे थे। पिछली बार हुई घटना के बाद रावी वहां नहीं आई थी और वहां मेंटेनेंस के बाद वो जगह और ज्यादा कमाल की हो चुकी थी। वहां एक बड़ा सा बार काउंटर था और कई सारे लोग वहां पर एक छोटे से होटल में खाना एंजॉय कर रहे थे। वहां एक ऐसा ट्रैक भी था जहां बाइक चलाना काफी मुश्किल था। रावी ने आसपास देखते हुए कहा, दी ने इस बार काफी अच्छा काम करवाया है। ये सुनकर आरजू की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, क्या ये सब वीरा ने करवाया है? मुझे तो लगा था ये तुमने करवाया है। आरजू रावी की काफी अच्छी दोस्त थी
इसीलिए वो ये जानती थी कि ये रेसिंग कोर्स रावी और वीरा का ही है। हालांकि बाकी लोग इस बात से अनजान थे और वो लोग ये जानने के लिए क्यूरियस रहते थे कि वो इंसान कौन है जिसने इतनी खतरनाक जगह बनाई थी जहां लोग इंजॉय भी कर सकते थे और अपनी जान भी गंवा सकते थे। आरजू ने कहा, क्या वीरा तुम्हारे साथ नहीं आई है? रावी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमेशा वीरा दी के बारे में पूछती हो, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो कि मैं कैसी हूँ। आरजू ने अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा, तुम तो अच्छी भली मेरे सामने खड़ी हो और साथ ही मेरे लिए आज एक रेस भी करने वाली हो। ये सुनकर रावी को याद आया कि आरजू ने उसे वहां क्यों बुलाया था। एक आह भरते हुए रावी ने कहा, अब तुमने किससे पंगा ले लिया और इस बार तुम मुझे किस मुसीबत में डालने वाली हो? रावी की बात सुनकर आरजू का मुंह छोटा सा हो गया। उसे याद था कि उसके कारण पिछली बार रावी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। उसने कहा, यार मैं तुझे कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ, मुझे थोड़ी पता था कि वो टोनी ऐसा करेगा। वैसे उसके बाद से वो यहाँ पर नहीं आया है और ना ही किसी ने उसके बारे में बात की है। क्या तुम जानती हो वो कहाँ गया? रावी ने सोचा उसकी बहन ने उस टोनी के साथ क्या किया होगा। शायद उसने उसके दोनों हाथ कटवा दिए होंगे। हो सकता है कि वो इस समय किसी पागलखाने में हो या फिर ब्लैक बटरफ्लाई के बेस पर किसी के जरिए टॉर्चर किया जा रहा हो। अपने ख्याल से बाहर आते हुए रावी ने कहा, मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ। छोड़ो, हम उसकी बातें क्यों कर रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। ये कहते हुए रावी जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके पीछे उसका छोटा भाई धैर्य मौजूद नहीं था। ये देखकर रावी की आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, अब ये छोटू उस्ताद कहाँ चला गया? अगर ये किसी मुसीबत में फंस गया या इसने खुद को जख्मी कर लिया तो पापा मम्मी और तीनों पक्का मुझे मारेंगी। ये कहते हुए रावी धैर्य को ढूंढने लगी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही रावी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से उस तरफ गई जहाँ एक लड़का कई सारे लड़कों के बीच घिरा हुआ था और उसकी आंखें खतरनाक तरीके से उन लड़कों को देख रही थी। रावी ने धैर्य को अपनी तरफ खींचा और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कहीं मत जाना। धैर्य ने अपनी नजरें उन लड़कों से नहीं हटाई और कहा, ये आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे, इन्हें कोई हक नहीं बनता आपके बारे में कुछ कहने का। क्या ये आपको नहीं जानते? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहने की? इस समय धैर्य की आवाज़ कोल्ड थी। उसकी आवाज़ को सुनकर ही कोई भी कांप सकता था। रावी को ऐसी बातें सुनने की आदत थी। लोग उस पर हमेशा कमेंट करते थे और खासकर लड़के, इसीलिए उसने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन धैर्य ऐसा नहीं सोचता था। उसके हिसाब से जो उसकी बहन के बारे में गलत बात करेगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। ग्रुप से एक लड़का बाहर आया जिसने व्हाइट कलर का जैकेट पहना हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए रावी को देखकर कहा, तो फाइनली मिस रवीना आप आ गई हैं। वैसे आप काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं आई हैं, क्या आपको हमारी याद नहीं आती? छोड़ो, आपको याद आती हो या ना आती हो, लेकिन हमारा दिल तो आपके बिना बिल्कुल नहीं लगता है। रावी ने घूर कर उस लड़के को देखा और कहा, मनोज मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात मत किया करो। मनोज आगे आया और उसने रावी के चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा, अगर आप कहती हैं कि मैं आपसे बात ना करूं तो मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूं। पर क्या करें मिस रवीना, हमें मौका ही नहीं देती हैं। क्यों है ना? वीरा ने ऋषि को देखा और सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये घर इतना बुरा भी नहीं है। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई, तो आपके बिना बिल्कुल नहीं लगता है। रावी ने घूर कर उस लड़के को देखा और कहा, मनोज मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात मत किया करो। मनोज आगे आया और उसने रावी के चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा, अगर आप कहती हैं कि मैं आपसे बात ना करूं तो मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूं। पर क्या करें मिस रवीना, हमें मौका ही नहीं देती हैं। क्यों है ना गाइस? उसकी इस बात को सुनकर पीछे खड़े सारे लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगे। रावी ने परेशान होकर उन लड़कों की तरफ देखा। उसने उस ग्रुप को रेसिंग कोर्स का मेंबरशिप कार्ड सिर्फ इसीलिए दिया था क्योंकि वो लोग उससे एक रेस में जीत गए थे। लेकिन उसे नहीं पता था वो लोग यहाँ आकर इस बात का गलत फायदा उठाएंगे और हमेशा उसे परेशान करेंगे। जब धैर्य ने देखा कि उसके सामने खड़ा लड़का किस तरह उसकी बहन को परेशान कर रहा है तो उसकी हाथों की मुट्ठियां बन गई और बिना सोचे समझे उसने अपनी गन निकाली और उसे मनोज के सिर पर पॉइंट कर दिया। छोटे से बच्चे के हाथ में गन देखकर मनोज दो कदम पीछे हट गया। उसकी नजर धैर्य की खतरनाक आंखों पर गई और एक पल के लिए उसका शरीर कांप उठा। धैर्य की ठंडी निगाहें ऐसी थी जैसे वो अभी के अभी मनोज को जान से मार देना चाहता हो। रावी ने जब देखा कि सिचुएशन वहां कितनी खराब होती जा रही है और उसके भाई ने गन भी निकाल ली है, रावी ने हैरान होकर धैर्य की तरफ देखा और खुद ने कहा, इसके पास गन कहां से आई? कहते हुए उसने धैर्य को पीछे खींचा और कहा, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास गन कहां से आई? धैर्य ने बिना किसी भाव के रावी की तरफ देखा और एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको क्या लगता है जब मेरी बहन और मेरे फादर इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो क्या उनका छोटा भाई इतना कमजोर हो सकता है? यह सुनकर रावी ने कुछ नहीं कहा। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। उसकी मम्मा एक किलर से भी खतरनाक थी, उसके पापा डेंजर से भी डेंजर थे और उसकी बहन किसी कठोर पत्थर की तरह थी। और भले ही वो खुद शांत इंसान थी लेकिन वो एक समुंदर की तरह थी जिसमें कभी तूफान आ सकता था। ये सब सोचते हुए रावी का सिर दर्द करने लगा था। हार मानते हुए रावी ने कहा, ठीक है हम इसे बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो गन मुझे दे दो। धैर्य ने एक शब्द में जवाब दिया, नहीं
ये कहकर उसने वापस मनोज की तरफ गन पॉइंट की, जो अभी भी डरा हुआ खड़ा था, और कहा, अगर तुमने दोबारा मेरी बहन को डराने या परेशान करने की कोशिश की तो मैं इस बंदूक में जितनी भी गोली है वो तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मनोज काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, तुम बच्चे, तुम क्या मुझे खिलौने वाली बंदूक से डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? आजकल मार्केट में ऐसे कई खिलौने मिलने लगे हैं, जाओ इनसे अपने दोस्तों के साथ खेलो, मुझे मत डराओ। और मिस रवीना, आपको अपने छोटे भाई बहनों को यहाँ नहीं लाना चाहिए, क्या ये कोई आम जगह है या फिर पार्क है जहाँ तुम इसे घुमाने ले आई हो? लेकिन इससे पहले कि मनोज आगे कुछ कहता, एक तेज आवाज उसे सुनाई दी जिससे उसका शरीर अकड़ गया। गोली उसके बाएं कंधे के पास से गुजर गई थी जिससे उसके व्हाइट कलर के जैकेट का थोड़ा सा हिस्सा फट गया था और वहां से धुआं भी निकल रहा था। धैर्य ने दोबारा कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इस गन में असली गोली है कि नहीं। मनोज ने अपने कदमों को पीछे लिया, उसके साथी भी अब डर चुके थे। रेसिंग कोर्स में मौजूद बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे और वहां हो रहे तमाशे को देख रहे थे, खास करके उस छोटे बच्चे को देखकर जो इतना ज्यादा डेयरिंग था। वो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उन्हें उससे थोड़ी जलन भी हो रही थी, क्योंकि उसकी उम्र में या तो वो लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे या किसी बास्केटबॉल कोर्ट में मैच खेल रहे थे। लेकिन धैर्य उन सबसे अलग था। रावी ने जब देखा कि वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी तो उसने गार्ड्स को बुलाकर सबको वहां से भेज दिया। सबके जाने के बाद उस जगह पर अब रावी, आरजू और धैर्य ही खड़े थे। आरजू आंखें बड़ी बड़ी करके धैर्य को देख रही थी, उसकी नजर अभी भी धैर्य के हाथ में मौजूद गन पर थी। उसने रावी के हाथ को खींचते हुए कहा, तुम्हारा भाई इतना डेंजरस क्यों है? वो इतनी सी उम्र में लड़कों को तुमसे दूर भगा रहा है, सोचो जब इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो ये तो आधी दुनिया के लड़कों को मार ही डालेगा। रावी ने लाचारी में अपना सिर हिलाया और धैर्य का हाथ को खींचते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक हो गए हो, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी शिकायत मम्मा से करनी होगी। अपनी माँ का नाम सुनते ही धैर्य का खतरनाक चेहरा अचानक से डर के मारे पीला पड़ गया। उसने मासूम नजरों से रावी की तरफ देखकर कहा, आप ऐसा नहीं करेंगी है ना? अगर आपने मम्मा को ये सब बता दिया तो वो मुझे वापस बोर्डिंग स्कूल भेज देंगी। ये कहते हुए उसने रावी को गले लगा लिया और कहा, मेरी प्यारी सिस्टर, मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं करेगी? रावी ने उस बच्चे की तरफ देखा जो थोड़ी देर पहले बड़ों से भी खतरनाक काम कर रहा था, और आखिर में उसने धैर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे सीक्रेट्स किसी को मत बताना और मैं तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताऊंगी। दोनों भाई बहन ने आपस में समझौता कर लिया। आरजू, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, आखिर तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? रावी और धैर्य ने एक साथ आरजू की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद रावी अपनी बाइक के साथ उस रेसिंग कोर्स पर मौजूद थी और साइड में लगी सीट पर आरजू और धैर्य बैठे हुए थे। धैर्य ने उस खतरनाक रेसिंग कोर्स को देखा और परेशान होते हुए कहा, क्या दी सच में वहां पर बाइक चला लेगी? मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है, आप उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेती? मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये सब करना चाहिए। आरजू ने अपने हाथ में पकड़े बियर कैन से बियर पीते हुए कहा, बच्चे तुम इतनी चिंता मत करो, तुमने अभी तक अपनी बहन की बाइक रेसिंग देखी नहीं है ना? थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ये कर सकती है या नहीं। ये कहते हुए वो सामने देखने लगी। रावी आज एक लड़की से रेस कर रही थी। असल में उस लड़की ने आरजू को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। उसने काफी सारे पैसे देकर इस रेसिंग कोर्स में पास खरीदा था और यहाँ आकर वो अपनी रेसिंग के जरिए लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, साथ ही वहां पर अपनी हुकूमत करने की भी कोशिश कर रही थी। आरजू को ये पसंद नहीं आया था क्योंकि वो जानती थी कि वो जगह किसकी है और वहां की क्वीन कौन है, इसीलिए उसने उस लड़की को चैलेंज किया था और लास्ट में वो दो बार उससे रेस में हार गई थी। लास्ट में उसने रावी को फोन कर ही दिया था। थोड़ी देर बाद रेस शुरू हो गई। दोनों ही रेसर अपनी अपनी बाइक से काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वहां लगे ऑप्टिकल बहुत खतरनाक थे और कुछ तो ऐसे थे जहां बाइक चलाई ही नहीं जा सकती थी। धैर्य आंखें बड़ी बड़ी करके रावी को देख रहा था। भले ही वो जगह काफी डार्क थी, लेकिन काफी सारी येलो कलर की लाइट्स वहां लगी हुई थी और वो जगह इस समय काफी डेंजरस और कूल दिख रही थी। रावी ने कई अच्छे मूव्स किए और अपनी बाइक को आगे ले गई, लेकिन जिस लड़की से वो मुकाबला कर रही थी वो भी एक सिंपल इंसान नहीं थी और उसने भी रावी को बराबर की टक्कर दी थी। बट एट द एंड रावी जीत गई और वो लड़की हार गई। ऋषि के घर, ऋषि इस वक्त वीरा को देख रहा था जिसका सिर उसकी गोद में था और वो अपने हाथ में पकड़े रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी। वीरा ने इस वक्त एक लॉन्ग नाइट ड्रेस पहनी थी जिसे उसने अपने सबॉर्डिनेट से मंगवा लिया था और इस समय वो चुपचाप ऋषि के पैरों पर सिर रखकर लेटी हुई थी और रैंडमली बार बार चैनल चेंज कर रही थी। ऋषि कन्फ्यूज होकर उसे देख रहा था। उसके कानों में अभी भी वीरा के वो डरी हुई आवाज़ गूंज रही थी और उसका आंसू से भरा चेहरा दिख रहा था। वो वीरा से पूछना चाहता था कि आखिर वो उस समय ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने याद किया कि किस तरह उसने एक दूसरे लड़के का किरदार निभाकर वीरा को उसके शौक से बाहर लाया था। अनजाने में ही उसके मुंह से निकल गया, तुम सच में कार्तिक से बहुत प्यार करती थी। वीरा, जो इस समय अपनी आंखें बंद करके सो चुकी थी, ऋषि की इस बात को सुनकर उसने जल्दी से आंखें खोली और अपनी गहरी नीली आंखों से ऋषि को घूरने लगी। उसने सोचा नहीं था कि ऋषि उससे ये सवाल करेगा। वो तो सोच रही थी कि ऋषि उससे पूछेगा कि वो उस समय इतनी पैनिक क्यों हो रही थी और इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, लेकिन सारे सवाल छोड़कर ऋषि ये पूछ रहा था कि वो कार्तिक से प्यार करती है या नहीं। इस बात का जवाब वीरा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो उठकर बैठ गई। ऋषि वीरा के एक्शन थोड़ा उदास हो गया। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, तुम कार्तिक नाम के इंसान से प्यार करती थी तो
अब तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो? तुम ये कहती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा चेहरा उसके जैसा है। क्या तुम्हारा कार्तिक मेरी तरह दिखता था? इस समय ऋषि एक मासूम से बच्चे की तरह दिख रहा था जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया हो। वीरा ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखा और उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। कुछ पल बाद उसने कहा, प्यार शब्द बहुत छोटा है, मैं उसे अपनी जिंदगी मानती थी। जानते हो कार्तिक वो पहला और आखिरी इंसान था जिसके कारण मैंने हंसना सीखा था, जिसने मुझे बताया था कि जिंदगी क्या होती है। मैंने हमेशा से अपने परिवार के लिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया था और मुस्कान छोड़ दी थी, ये सोचकर कि अपनी कुछ पलों की मुस्कुराहट के लिए मुझे उन सबको एक दुख देना होगा जो मैं नहीं चाहती थी। पर कार्तिक ऐसा नहीं सोचता था, वो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता था और हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन फिर वो चला गया। सिर्फ मेरी एक गलती के कारण मैंने उसे खो दिया। ये कहते हुए वीरा थोड़ी उदास हो गई थी। ऋषि का हाथ जो वीरा के कंधे पर था वो टाइट होते जा रहा था जिससे वीरा के कंधों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने ऋषि से ये बात नहीं कही। कुछ पल बाद वीरा ने कहा, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा चेहरा सच में उससे मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे के कारण तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और शायद तुम ही मेरे कार्तिक हो। ये सुनकर ऋषि जल्दी से वीरा को खुद से दूर किया और कहा, मैं कार्तिक नहीं हूँ, मैं ऋषि ओबेरॉय हूँ। वीरा ने लाचारी से ऋषि की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये मानना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यही सच है, तुम ऋषि ओबेरॉय नहीं हो, तुम मेरे कार्तिक हो। ये सुनकर ऋषि के सिर में दोबारा दर्द होने लगा था। उसने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, वीरा तुम सच मान क्यों नहीं लेती कि मैं वो इंसान नहीं हूँ? वीरा को भी अब गुस्सा आ रहा था। उसने ऋषि का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम कार्तिक नहीं हो तो जब भी मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगता है? मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ, तुम बार बार मुझसे इस तरह बातें करते हो जैसे तुम मुझे काफी समय से जानते हो। आज भी तुमने ये कहा कि मुझे पहले भी गोली लग चुकी थी, मुझे बताओ तुम्हें ये कैसे पता कि मुझे गोली लगी थी और उस समय तुम मेरा ख्याल रख रहे थे? वीरा की हर बात को सुनते हुए ऋषि परेशान होते जा रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने से कुछ धुंधली तस्वीरें गुजरती हुई दिख रही थी। आखिर में उसने देखा कि एक लड़का जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था और कुछ दूर जाती हुई लड़की को देख रहा था। लड़की का शरीर भी काफी ज्यादा खून से सना था और वो मुड़कर रोते हुए उस लड़की को ही देख रही थी। तस्वीरों के साफ होते ही ऋषि अचानक से हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, वो लड़का तो मैं था और वो लड़की, वो वीरा कैसे हो सकती है? कहीं वीरा जो कह रही है वो सच तो नहीं है? क्या मैं कार्तिक हूँ? ये सब सोचते हुए ऋषि ने वीरा की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मेरा नाम ऋषि ओबेरॉय कैसे हो गया और मैं सब कुछ कैसे भूल गया?